हुआ, समाजवादी शासनकाल में ये घोटाला हुआ और अब जो दूसरा आरोपी था मुख्यालय का लिपिक अशोक यादव, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अशोक यादव के पास से 11,30,000 की रकम बरामद की गई है और प्रति कैंडिडेट से लेता था 20,000 की घूस। ये भी आप देखिए, प्रति कैंडिडेट यानी कि हर कैंडिडेट से 20,000 की घूस लिया करता था और जांच में 70 कैंडिडेट से रकम लेने का खुलासा हुआ है। पूरा मामला साफ हुआ और फिर गिरफ्तारी हो गई है अशोक यादव की और 14 लाख की रकम अशोक यादव को मिली थी। अभी कहा जा रहा है सुरेश यादव ने अशोक यादव को घूस दिया था और 70 चपरासियों को बाबू बनाने वाली भर्ती में खेल हुआ। और अब जो दूसरा आरोपी था अशोक यादव, उसको भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और हजरतगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनूप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो घोटाला हुआ उसका एक आरोपी पहले गिरफ्तार, अब दूसरा आरोपी अशोक यादव भी गिरफ्तार हुआ। देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसमें जो मुख्य था सुरेश यादव, उसको पहले ही जो है पुलिस को गिरफ्तार का केस भेज चुकी है। अब इस मामले में एक दूसरी सफलता पुलिस को मिली है, जब जो कंकड़ लिखी का अशोक यादव, उसको जो है अजय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से 11,30,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं, जो कि तमाम जो है कुछ रूप में जो है पैसे लिए गए थे। पूरा ये घोटाला जो है शासन काल में हुआ था, जिसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है नाराजगी जताई थी और पूरे जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही थी। अभी ये दूसरी गिरफ्तारी की गई है, यकीनन ये बड़ी गिरफ्तारी कही जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट को पास कराने के में जो है सुरेश यादव और अशोक यादव से तमाम है, इन्होंने पूरा जो है फर्जीवाड़ा किया था। 70 चपरासियों को जो है बाबू बनाने वाली उसका ये जो भर्ती का जो खेल था, इस तरह से किया गया था, किसी तरह से पैसे लिए गए, उसके बाद जो तमाम जो चपरासी थे उनको पैसे लेकर के जो है उनको बाबू के पोस्ट पे जो है पद पे जो है उनको भेजा गया। और जिस तरह से पूरा खुला है और पहले के बाद अब दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। शुक्रिया अनुप आपका अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर से खबर है जहां शामली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमित कुमार की बाहर खड़ी ऑल्टो कार में युवक ने आग लगा दी। ये पूरा